तो मेरे को था यार कि लोगों ने सलाम लगा अक्सी भागे हाँ ओके ओके सलाम सलाम यू गुड ओके नमस्ते सत श्री अकाल सलाम वालेकुम स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। तो ये वीडियो यार आई थिंक लास्ट वीडियो होगी अफगानिस्तान की एंड अभी मैं हूँ हेरात में। यहाँ पे पास में एक ब्लू मॉस्क है और एक सिटाडेल है वो देखने चलते हैं। और हेरात यार यहाँ पे पर्शियन कल्चर देखने को मिल रहा है ज़्यादा दूसरे कल्चर्स के हिसाब से बिकॉज ये ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है। और जैसे यार आप लोग बोलते थे कि गरिमा तू तो बस गांव में जाती है ठीक है शहर नहीं घूमती टाउन नहीं घूमती, तो भाई यार अफगानिस्तान में आप लोगों की ख्वाहिश पूरी होगी। मोस्टली मैंने सिर्फ सिटी का टूर करा है और मेरा बहुत मन था गांव में जाके एक दो दिन रहने का या ज़्यादा या कैंपिंग करने का। बट जैसा आप लोगों को पता है अभी तालिबान के रूल्स में लड़कियों के लिए थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है, बट आई थिंक गाँव में जाना कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता और सिर्फ मेरी ही डबल चेकिंग नहीं होती बल्कि जो गांव में कोई मुझे अलाउ करता या कोई बंदा मेरी हेल्प करता इवन उसको भी बोलने लग जाते तो उसकी उनकी भी चेकिंग होती। तो इस वजह से यार मैंने फिर नई रिस्क लिया, मैंने कहा एक तो टाइम वेस्ट होगा फिर इतनी चेकिंग होगी तो बॉडी ऑलरेडी टायर्ड हो जाएगी फिर गाँव में मज़ा ही क्या आएगा, सारा टाइम तो इस चीज़ में ही निकल जाएगा। तो मैं नहीं गई, देखते हैं बाद में अगर जब दूसरा चक्कर अफगानिस्तान में लगेगा तब क्या सीन रहता है, तब पक्का यार कोशिश करेंगे पूरी गांव की तरफ जाने में। और चलिए चलते हैं भाई टाउन की तरफ और थोड़ा एक दो गेड़ा मार के आते हैं। यार दूसरी चीज़ ये कि मैं इस होटल में रुकी हूँ, तो यार हैरात अगर आप आओगे ना तो थोड़ी परेशानी होगी, महंगे होटल हैं जितने भी हैं। ये बड़ी मुश्किल से मेरे को मिला थोड़ा 1300-1500 रुपए का, इसका नाम है दरिया गेस्ट हाउस। मैं वैसे स्क्रीन पे भी लिख दूंगी, मैं 3-4 होटल घूमी यार सारे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के, तो ये मिला एक 1300-1500 तक का। अगर ज़्यादा दिन रुकोगे तो आई थिंक 1200-1100 में भी दे देंगे तो सही। एंड ये बेकरीज बहुत सारी हैं इस तरफ बुला रहा मुझे, कह रहा अंदर आ जाओ दुकान में, मैं कहा अभी नहीं आ रही। तो चलिए यार ब्लू मॉस्क और सिटाडेल चलते हैं एंड फिर मैं ये वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। भाई इस पूरी रोड में यहाँ बाइकें ही बाइकें दिख रही हैं, नवी बेहतर हैं लोग, आप लोग ये देखिए। पहले तो मैंने इग्नोर करके मैं चलती गई बट यार फिर इतनी बाइकें दिख रही हैं ना यहाँ पे, मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ वीडियो में। मस्त भाई जनाब हम पहुंचे हैं हेरात के ब्लू मॉस्क में। तो यार इसकी 1200 के आसपास कंस्ट्रक्शन हुई थी शुरू, उसके बाद बहुत बार टूटा भी एंड चंगेज़ खान के टाइम भी उसने भी यहाँ पे इस इलाके में कब्ज़ा किया ऐसा बोला जाता है। तो मैंने तो देखा नहीं बट ऐसा पढ़ा मैंने गूगल पे, तो देखते हैं अंदर जाने देंगे कि नहीं अभी। बट ये हेरात का सबसे फेमस मॉस्क है। इधर लोग यार नमाज पढ़ रहे हैं बाहर, एंड ये मैम सब बैठी हुई हैं। यार पूछना पड़ेगा भाई अंदर जा सकते हैं कि नहीं, शायद नहीं जा सकते। भाई इधर तोप पड़ी हुई है अंदर मस्जिद वाले एरिया में ही, तो ऑनलाइन में पढ़ रही थी यार इस जगह बहुत सारी लड़ाई वगैरह हुई हैं एंड बहुत सारे राजा महाराजाओं ने इधर कब्ज़ा किया है। ये बहुत बार रीबिल्ड हुआ है मॉस्क, बट बहुत प्यारा यार पर्शियन आर्किटेक्चर आप लोग देखिए। हाँ सलाम नो अंडरस्टैंड एक है तन्हा नो फेमस मॉस्क है, इसको अभी मदरसा स्कूल भी बना रखे आजकल, आप लोगों को बच्चे दिख रहे होंगे इधर। तो सलाम
फारसी है मे नो फारसी नहीं इज कैमरा व्हाट्स योर नेम यू आर फ्रॉम हेरात नाइस दिस इज योर स्कूल या ओके नाइस गुड बाय गुड बाय भाई लड़के ही हैं एक भी लड़की नहीं दिख रही है मुझे इधर पढ़ते हुए मोस्टली बच्चों में लड़के ही हैं तो यार एग्जिट हुए हैं मस्जिद से अब एंड सिटाडेल की तरफ चलते हैं और आप लोग सामने देख रहे होंगे एक जनाब ने वाइट कपड़े पहने हैं बिल्कुल और जो दूसरा जनाब है उन्होंने दूसरी तरह के तो हेरात में यार ये देखते ही पता चल गया है कि यहाँ पे बहुत तरह के मुस्लिम्स रहते हैं शिया सुन्नी सूफी उसमें भी आगे उसमें भी जितनी डिविजन्स हैं पहनावे से ही पता चल गया लोगों के तो बहुत मतलब आई थिंक मिक्स कल्चर प्लेस है ये टाउन है सिटी और वेरी नाइस बाकी मैं गन्ने का जूस ढूंढ रही हूँ यार दिख नहीं रहा अभी तक एंड वाओ सलाम गुड ओके हाँ सिटाडेल देयर है ओके ये एंट्रेंस हुई है बाजार की रोड पे यहाँ पे इधर बाजार लगा हुआ है सामने भाई एक ये बात है कि कुछ लोगों को पता है कैसे लगता है कि मतलब अफगानिस्तान में ना उजाड़ा ही उजाड़ा है कुछ होगा नहीं लेकिन मेरे को यहाँ आने से भी पहले ऐसा नहीं लगता था इतना तो मेरे को था यार कि लोगों ने सलाम ओके ओके सलाम सलाम यू गुड ओके सर मेरे को इतना तो था कि भाई बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है लोगों के सही गांव होंगे टाउन होगा खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी तो मुझे लगता था आबाद ही होगा इतना उजाड़ा नहीं होगा एंड ऑफ कोर्स यार आप लोग देख सकते हैं जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं रोजी रोटी लोगों की वो सब है मतलब सिस्टम बना हुआ है हर जगह पे एक यार ये कल्चर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है हेरात में आई डोंट नो पर्शियन है कि कौन सा है आपको ये ब्लू चुन्नी में दिख रहे होंगे भाई ये सिला हुआ नहीं है ये लोगों ने ना एक बड़ी बड़ी सी चुनिया ऐसे लपेटी हुई हैं सेम चीज़ की साड़ी ना सूडान में भी बनाते हैं तो एक उस टाइप के कपड़े भी दिख रहे हैं मुझे इस टाउन में देर ये जनाब कहते हैं मेरी वीडियो बना सलाम खूबी ओके हेलो سلام خوبم سلامتیم بخیر All from Herat آه هرات هرات اینجا که هرات جادی لیلمی آه هرات جادی مچه جامعه اوکی تشکر بخیر باشین خدا حافظ خدا حافظ اینجا بو کنیم اردو اردو یاد داره اینجا یا اردو اردو جانتے ہیں آپ آپ اردو جانتے ہیں اوکی سب خیریت ٹھیک सही है ठीक है खुदा हाफिज़ इधर भाई ड्राई फ्रूट्स की रेडी है हेरात फेमस है ड्राई फ्रूट्स के लिए आई टेस्ट वन ओके सही भाई रेजिन हर तरह के ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे ओके थैंक यू गजब यार जाते रहोगे ना तो आप लोगों को ये चीज़ भी दिखेगी कि यहाँ पे गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ हैं बहुत सारी आप लोग देख सकते हैं और भी अलग अलग फूल हैं तो ये खाने में इस्तेमाल होती हैं बहुत ज़्यादा खाने में और मिठाइयों में यूज़ होती हैं और पंजाब साइड भी इनकी कुछ मिठाइयाँ बनती हैं अगर आप लोगों ने ट्राई करी होगी ये स्पेशली नॉर्थ इंडिया में और ऊपर जितना जाएंगे पाकिस्तान ईरान वाली साइड वहाँ पर देखने को मिलेगा और इधर भाई मसाले वगैरह बिक रहे हैं तो पूरा ट्रेडिशनल दुकान है मसालों की ड्राई फ्रूट्स की इन चीज़ों की नाइस oh,
यार ये पूरी रोड भाई यही ड्राई फ्रूट्स मसालों से भरी पड़ी है बाजार में। यार वैसे मस्त बाजार है एक्चुअली, बड़ा जबरदस्त मजा आ रहा है ऐसे देख के ही सिर्फ। और सिटाडेल ऑलमोस्ट आई थिंक उस तरफ पड़ता है पास में। भाई इन सब औरतों ने चादरें लपेटी हुई हैं, ये सिली हुई नहीं है, लग रहा है कि ये भूखा है सिर्फ इसको लपेटा हुआ है। ये है भाई किला सिटाडेल, हैरात सिटाडेल। और ये बोला जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बनवाया था। कितनी सच्ची हिस्ट्री और कितनी झूठी है उसकी गारंटी मैं नहीं लेती भाई, बट ऐसा पढ़ा मैंने कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट इधर पहुंचे थे उन्होंने ये बनवाया है। इधर पहुंचे हैं यार किला के साइड, एंड उस तरफ से जो एंट्रेंस थी म्यूज़ियम वाली साइड की उसकी टिकट है 500 रुपये अफगानी के। भाई म्यूज़ियम देखने के कौन 500 देगा। एंड इस तरफ उन्होंने बोला कि भाई फ्री में जा सकते हो किला में, तो मैं इस तरफ से आई हूँ। चढ़ते हैं थोड़ा ऊपर। ओके तो हैरात का किला जनाब, उधर तो नहीं जा सकते शायद, टिकट लेनी पड़ेगी, बट नाइस। और इधर बस रोड है एंड दैट्स इट। बंद पड़ा बाकी, कुछ फंक्शन नहीं होता आई थिंक। टिकट वाली साइड एक दो म्यूज़ियम बना रखे हैं तो या बाकी। चलिए चलते हैं, एंड बाज़ार घूम लिया, एक और टाउन घूम लिया हमने, और एक श्राइन है यहाँ पे बस, एंड टाउन में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे हम कल सुबह जब अड्डे जाना है इस्लाम कला के बॉर्डर टाउन तक के। तो या सुबह का टाइम हुआ है एंड अब जा रहे हैं हम इस्लाम कला के अड्डे पे। तो वहाँ पे इस्लाम कला बॉर्डर के पास तक की टैक्सी या बस मिलेगी और फिर आज का सफ़र शुरू होता है सही ईरान की तरफ का भाई। तो गाइस ये इस्लाम कला का अड्डा है यहाँ पे। ऑटो वाले ने 50 रुपये लिए और गाड़ी का किराया है एक बंदे का 250 रुपये, बट आगे दो बंदे बैठते हैं और कोई लड़की तो नहीं मिलेगी ऑफ कोर्स, तो मेरे को 500 देना पड़ रहा है। मशाद भाई, हैरात से मशाद तक का बॉर्डर है ये वीडियो, यहीं खत्म करते हैं।